हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल की। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे समझने के लिए फिर से हम एग्जांपल का सहारा लेंगे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ, सिर्फ आपको समझाई, सिर्फ मुझे काम नहीं करना, मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से आपकी कोई भी तरीके की डाउट नहीं रहेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब देखते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल क्या होता है। सबसे पहले हम अपने नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं ताकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो। मान लेते हैं देयर आर टू पार्टीज, एक का नाम है अकबर, एक का नाम है एंथोनी। अकबर इज अ सेलर, एंथोनी इज अ बायर। तो सेलर और बायर का ट्रांजेक्शन कब होता है? जब ये कैश ट्रांजेक्शन होता है। तो अगर ये कैश ट्रांजेक्शन होगा तो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज अकर होगा? नहीं। अगर पूरा का पूरा पेमेंट अगर उसने कैश में कर दिया तो वहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज की नौबत नहीं आती। मान लीजिए एंथोनी ने अकबर से 10,000 रुपए का माल खरीदा फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए ट्रांजेक्शन है, और एंथोनी अकबर के पास गया और उसने बोला कि 10,000 रुपए का मैं माल खरीदना चाहता, लेकिन पैसा मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा। इसका मतलब अकबर माल क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। किसको? एंथोनी को कर रहा है। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा तो वही स्टार्ट होगा जहां से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और मुझे 100% श्योरिटी है कि अब आप एंट्री पास करने के काबिल हो गए हो। अकबर ने माल सेल किया तो क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, ना तो कैश आ रहा है ना ही कुछ। तो इन दैट केस वो किसका नाम लिखेगा? एंथोनी यानी बायर, यानी कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इस कस्टमर को आगे जाके हम क्या कहने वाले हैं? ड्रॉवी कहने वाले। इसलिए एंट्री क्या पास करेंगे? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई तकलीफ नहीं है। यही चीज अगर एंथोनी करेगा तो एंथोनी क्या एंट्री पास करने वाला है? तो सर आपको पता ही है, हमने तो 2 दिन से यही किया है। पहला परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। वेरी गुड बेटा, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों ने कर लिया है दोनों बेसिक्स क्या होगा तो आपको डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि ये 2 एंट्री जो मैं बताने वाला हर सब में आएगा। उसके बाद बिल बना, मतलब माल बेचने के बाद अकबर ने एंथोनी से कहा कि भाई मैंने आपको, मैंने माल तो बेच दिया, लेकिन हमें क्या बनाना है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है। तो यहां पर अकबर क्या करेगा? बिल बनाएगा। तो ये हो जाएगा भैया ड्रॉवर, और जिसके नाम पर बिल बनाएगा वो हो जाएगा ड्रॉवी। ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा क्या होता है? रिसीवेबल। और ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा क्या होता है? पेबल। और ये ट्रांजेक्शन कब आएगा? जब बिल ऑफ एक्सचेंज अकर होगा तब। अकबर बिल बनाएगा और एक्सेप्ट करेगा एंथोनी। तो नेक्स्ट बेटा ट्रांजेक्शन आएगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, और ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से करना है। बिल बनाएगा अकबर, अकबर बिल बनाने के बाद एंथोनी को देगा, एंथोनी साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बिल रिटर्न लेगा। तो अकबर के पास बिल आ रहा है या बिल जा रहा है? बिल आ रहा है। तो एंट्री क्या पास करेगा वो? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंथोनी। तो एंथोनी का नाम क्या हो जाएगा? ड्रॉवी। कोई तकलीफ? नथिंग। सेम चीज एंथोनी, तो एंथोनी के पास बिल आया, एंथोनी ने बिल को साइन किया, एक्सेप्ट किया, रिटर्न दिया, तो बिल उसके हाथ से जा रहा है। तो बिल जाने का मतलब क्या है? बिल्स पेबल। तो एंट्री क्या पास करेगा वो? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बेटा भाई फर्स्ट 2 एंट्री में इतना टाइम इसलिए नहीं लगा रहा, क्योंकि मैंने ये 2 चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए पिछले 2 पार्ट में। तो आज केस नंबर 3 की बात करें इसलिए वो 2 एंट्री में फटाफट बता दे रहा हूं। अब हमारा मुद्दे की बात चलोगे एंडोर्समेंट। यहां पर हमें 3 चीजें देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं ये एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल होता क्या है।
एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से अकबर ने माल बेचा एंथोनी को, उसी तरीके से अकबर को भी कोई माल बेचता होगा। मान लेते हैं अमर जो है वो अकबर को माल बेचता है, अमर अकबर को माल बेच रहा है और अकबर एंथोनी को माल बेचता है, ठीक है, अमर अकबर एंथोनी। तो अमर इज अ सप्लायर ऑफ अकबर, अकबर इज अ सप्लायर ऑफ एंथोनी, सिंपल। यानी अगर मैं ऐसी बात करूं तो अमर और अकबर में क्या रिलेशन है? अमर सप्लायर है और अकबर उसका कस्टमर है। और हमने यहां पर डिस्कस किया अकबर और एंथोनी में ये सप्लायर और ये कस्टमर है, कोई तकलीफ नहीं। अब क्या हो रहा है कि अकबर, जैसा एंथोनी ने अकबर से 10,000 रुपए का माल खरीदा था, उसी दिन या उसके आसपास एक दो दिन पहले, तीन दिन पहले ऐसा, अकबर ने भी अमर से 10,000 रुपए का माल खरीदा था और उसने कहा एक महीना। यानी अकबर क्या कह रहा है कि अमर भाई तुम टेंशन मत लो, 10,000 रुपए का मुझे सामान दे दो, मैं आपको एक महीने बाद पैसा दे दूंगा। तो अकबर क्या बोल रहा है, भाई तेरे नाम पर क्या बनाना पड़ेगा, बिल बनाना पड़ेगा। अब अकबर ने क्या सोचा, अमर बिल बनाएगा फिर मुझे साइन करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर यही मैं पैसा कब दूंगा, जब मुझे एंथोनी पैसा देगा ना तो मैं वही 10,000 रुपए उठा के अमर को दूंगा। तो इसने अपना दिमाग लगाया, क्यों ना मैं अमर और एंथोनी का मिलन करा दूं। मतलब अकबर ने कहा कि अमर भाई तुम टेंशन, मतलब बिल बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक काम करो, एंथोनी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल मेरे पास है, वो बिल आप ले लो। अमर बोलेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं अमर भाई, एक महीने बाद आप जाके सीधा एंथोनी से पैसा ले लेना, तो यहां पर डबल डबल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। यानी अकबर क्या कर रहा है, अमर को बिल दे रहा है, यानी आज से बिल का मालिक कौन हो गया, अमर हो गया। तो सर ये दो पार्टी में कौन सा रिलेशन होगा, जब किसी और का बिल, जब ड्रॉवी का बिल किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है विदाउट कंसिडरेशन, यानी यहां पर एट प्रेजेंट कुछ नहीं लिया जा रहा है, तो उसको एंडोर्समेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। व्हेन ड्रॉवीज एक्सेप्टेंस बिल ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी विच इज नोन एज एंडोर्सी, एंडोर्सी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एंडोर्सी, और जो ट्रांसफर कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे एंडोर्सर, कोई तकलीफ। बुक में कहीं कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप समझ जाना ड्रॉवर और एंडोर्सर दोनों ही सेम पार्टी होगी, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि मान लो अमर आया अकबर से पैसा लेने, अकबर ने बोला एक महीने बाद पैसा दूंगा, अमर ने कहा बिल बना होगा, तो हम जो अकबर है उसने क्या किया, ये लो भाई साहब बिल ले लो एंथोनी का, एक महीने बाद आप डायरेक्टली जाके पेमेंट ले लेना, मतलब इसकी टोपी उसके सर, इसका बिल उसके सर उसने घुमा दिया, तो एक महीने बाद अमर जाके ही पैसा कलेक्ट करने वाले। यानी यहां पर अकबर क्या हो रहा है, अपनी अपना हाथ ऊपर कर रहा है, फिलहाल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा है। जैसे बैंक के कंडीशन, बैंक में तो पैसा मिल रहा था, एंडोर्समेंट में ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस मिलेगा, 10,000 रुपए उसका नलाफाइड होगा, 10,000 रुपए का पे आउट तो वो कर रहा है बाय वाया बिल, लेकिन बिल वो खुद का एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, वो किसी और का एक्सेप्टेंस घुमा रहा है, सिंपल। तो यहां पर देखो, सबसे पहले एंडोर्सर यानी ड्रॉवर बिल देगा किसको, एंडोर्सी को, तो ड्रॉवर के, ठीक है, तो यहां पर आएगा एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, किसका नाम आएगा बेटा, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट ऑफ अ, ठीक है, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। तो मुझे बात बताओ ड्रॉवर क्या कर रहा है, ड्रॉवर क्या कर रहा है, अमन भाई ये लो बिल, बिल लो, बिल जा रहा है, बिल जा रहा है, कुछ आ रहा है नहीं, तो ये बिल किसको दिया जा रहा है, अमन को, अमन कौन है मेरा, एंडोर्सी। तो बेटा एंट्री क्या आएगी, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कोई तकलीफ नहीं सर, पक्का कोई तकलीफ। अमर बिल आ रहा है या बिल जा रहा है,
अमर के लिए बताओ बिल आ रहा है या बिल जा रहा है? सर एंडोर्सी के लिए तो बिल आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल। कुछ जा रहा है? नहीं। तो ये बिल किससे आ रहा है? सर ये बिल आ रहा है एंडोर्सर से आ रहा है। तो इसके ब्रैकेट में मैं लिखता हूं ड्रॉवर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई तकलीफ। अब मुझे बात बताओ अमर और अकबर के ट्रांजैक्शन में एंथोनी का क्या रोल है? सर यहां पर एंथोनी ने कोई भी रोल प्ले नहीं किया। जब वो कोई रोल प्ले नहीं करेगा तो उसके बुक में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। कोई दिक्कत? बहुत आसान तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। अब ये एंडोर्समेंट बिल एक महीने बाद या तो हॉनर्ड होगा या तो डिसऑनर होगा, तो ठीक है एंडोर्समेंट बिल हॉनर्ड, एंडोर्समेंट बिल हॉनर्ड, यानी एंडोर्समेंट बिल क्या कर रहे हैं हम लोग? हॉनर कर रहे हैं। हॉनर का मतलब क्या होता है? अमर जाएगा एंथोनी के पास, अमर जाएगा एंथोनी के पास, अमर जाएगा एंथोनी के पास, अमर बोलेगा पैसा, सॉरी बिल ले पैसा दे, बिल ले पैसा दे। तो अमर क्या बोलेगा? बिल ले। एंडोर्सी क्या बोलेगा? बिल ले भाई, बिल्स रिसीवेबल लो, बदले में क्या दो? पैसा। कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक चेक दे रहा है तो चेक अकाउंट है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कोई तकलीफ नहीं। अब अमर किसके पास गया? एंथोनी। तो एंथोनी क्या करेगा? बिल दे पैसा ले, बिल दे पैसा ले। तो ड्रॉवी के लिए बिल क्या होता है? पेबल। तो एंट्री क्या पास करेगा वो? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, दोनों में से कुछ भी आएगा, कोई तकलीफ वो नहीं जाए, उसको तो बिल का पैसा ही देना, चाहे एंडोर्सी आए चाहे अकबर आए, कोई तकलीफ नहीं। अब मुझे बात बताओ अमर और एंथोनी के ट्रांजैक्शन में अकबर का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, यानी बिल जब हॉनर्ड होता है तो कोई रोल आता नहीं है। जैसे हमने बैंक में भी देखा था, बैंक और ड्रॉवी का ट्रांजेक्शन था तभी भी उसकी कोई एंट्री आई नहीं थी। काम कहाँ बिगड़ता है? जब बिल डिसऑनर्ड होता है, यानी जब यहां पर एंडोर्समेंट बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर। यानी जब अमर एंथोनी के पास जाएगा, अमर एंथोनी के पास जाएगा और एंथोनी बिल का पैसा देने से मना कर देगा, तब डिसऑनर वाली कंडीशन आती है। अंडरस्टूड? वापस कह रहा हूं, जब अमर एंथोनी के पास जाएगा और पैसा मांगेगा और एंथोनी पैसा देने से मना कर देगा, तब क्या होगा? तब अमर ने बिल क्या किया है? डिसऑनर। एंथोनी की वजह से अमर ने बिल को क्या किया? फाड़ के फेंक दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ एंथोनी, क्योंकि एंथोनी ने बिल का पैसा देने से मना कर दिया। तो अमर क्या करेगा जब एंथोनी के यहां से खाली हाथ लौटने के बाद? अमर क्या करेगा? अमर करेगा अकबर को फोन, बोलेगा भाई तेरा बिल तू संभाल, यानी मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला, तेरा बिल तू संभाल। यानी बिल आ रहा है कि जा रहा है? तो सर एंडोर्सी के पास से बिल जा रहा है, तो टू बिल्स रिसीवेबल। किसके पास जा रहा है बेटा? सर ये बिल जा रहा है एंडोर्सर के पास, तो इस एंडोर्सर को हम लोग ड्रॉवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ड्रॉवर। तो कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। बिल दे दिया भाई, तू तेरा बिल संभाल, मुझे मेरा पैसा दे दे। अगर इसमें नोटिंग चार्जेस होगा तो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट ऐड कर देना, कोई तकलीफ नहीं है। सब इतना समझा? अब अकबर क्या करेगा? ठीक है, अमर ने उसका बिल डिसऑनर कर दिया, अमर ने क्या किया? ये ले भाई तेरा बिल तू संभाल, मेरे को पैसा मिला नहीं, मुझे मेरा पैसा दे देना, खत्म। ये ले बिल, पैसा मुझे दे देना। तो यहां पर उसका काम खत्म। अमर किसका गला पकड़ रहा है? इसका मतलब अकबर का। अकबर किसका गला पकड़ रहा है? एंथोनी का। यानी अकबर के पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? सर आ रहा है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। अगर एंडोर्सी ने बिल दिया तो इसने बिल रिसीव किया है, अकबर ने बिल क्या किया? रिसीव किया है।
अब ये वही बिल किसको देगा? एंथोनी, ये ले भाई तेरा बिल, तू संभाल तेरा बिल, भाई तू ही संभाल, तूने बिल को क्या किया, डिसऑनर कर दिया। तो यहां पर वो एंट्री क्या पास करेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी एंडोर्सी से बिल लिया और ड्रॉवी को बिल दिया, एंडोर्सी से बिल लिया और ड्रॉवी को बिल दिया, तो रिसीविंग की एंट्री क्या हो गई, बिल लिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, यहां पे बिल दिया तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, देखो दोनों कैंसिल, तो लास्ट की एंट्री क्या बची, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, यानी मैंने कल बताया था जब तीन पार्टी होगी तो ड्रॉवर का काम क्या करना है, ड्रॉवी से पैसा लेना है, थर्ड पार्टी को पैसा देना है, ड्रॉवी से पैसा लेना है, थर्ड पार्टी को पैसा देना है, तो यहां पे ड्रॉवी का नाम लेना है, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। तो क्या इसमें नोटिंग चार्जेस आएगा, एब्सोल्युटली आएगा, यहां पर नोटिंग चार्जेस आएगा। अच्छा, नोटिंग चार्जेस के लिए आप कैश अकाउंट लास्ट ऐड भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप ऐड किया तो भी आपके लिए चलेगा। लेकिन एंथोनी के साथ क्या सीन होगा, एंथोनी के लिए तो भाई बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो उसके लिए तो बिल आने ही वाला है, तो एंट्री वो क्या पास करेगा, जैसे हम हर सम में करते हैं, उसके लिए कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है, बस फर्क क्या है, ये नॉर्मल एंट्री है, अगर नोटिंग चार्जेस ऐड कर रहे हैं तो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, क्या सर हर सम में नोटिंग चार्जेस बोलेगा? नहीं, किसी किसी सम में बोला, तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोटिंग चार्जेस है तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, इंक्लूड करना है यहाँ पे, नोटिंग चार्जेस क्या करना है, इंक्लूड करना है। यहाँ पर भी आप नोटिंग चार्जेस डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको नोटिंग चार्जेस अकाउंट सेपरेटली शो करना है। ठीक है, डिफिकल्टी नथिंग टू बी वरी, इजी सम था, इजी आपको कॉन्सेप्ट था, एंडोर्समेंट और बिल बैंक में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है टर्मोलॉजी का, बैंक में डिस्काउंट होता था, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक पार्ट और आ गया एंडोर्सी वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में ड्रॉवर और ड्रॉवी ही पूछता है। पेज नंबर 272 पर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड एंडोर्सी तीनों की एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, सम को ध्यान से देखने वाले। क्या दिया, देखिए, पल्लवी सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 25,000 टू वंदना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 16th फरवरी 2019। यानी पल्लवी ने माल बेचा है वंदना को, जो माल बेचता है वो ड्रॉवर होता है, जो माल खरीदता है वो ड्रॉवी होगा, क्योंकि उसके नाम पर बिल बनेगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पल्लवी, पल्लवी ने वंदना को माल बेचा 25,000 रुपीज का 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो अगर मैं 25,000 का 10% निकालू तो 2,500 रुपया आएगा, यानी मेरा नेट सेल बोलू या परचेज बोलू, मेरा हो जाएगा 22,500। कैसे बताया सर आपने, 25,000 रुपये में से 2,500 रुपये में माइनस कर दूंगा। क्यों सर आपने माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, 22,500, ट्रांजेक्शन 22,500 का ही होगा। कभी 16th फरवरी 2019 यानी माल बेचा, तो 16th फरवरी 2019 को माल बेचा, किसको बेचा, वंदना को बेचा, तो एंट्री बेटा क्या पास करेंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मतलब वंदना अकाउंट डेबिट टू बिल्स, सॉरी सेल्स अकाउंट। कोई तकलीफ, ये तो सर आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हो, दो दिनों से आपको यही मैं एंट्री करा रहा हूँ, फर्स्ट तो एंट्री। ठीक है, इसका मतलब वंदना ने माल खरीदा हुआ है, तो वंदना ने माल खरीदा, इसका मतलब एंट्री वो क्या पास करने वाली है कि माल खरीदा, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, क्या है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा, ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम क्या है, पल्लवी, तो पल्लवी अकाउंट क्रेडिट। आप लोग नरेशन लिख लोगे क्योंकि यू आर वेरी वेरी स्मार्ट, एक ने बेचा दूसरे ने खरीदा, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ऑन द सेम डे वंदना एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हर द अमाउंट ऑफ ड्यू फॉर 3 months, यानी 3 महीने के लिए, उसी दिन यानी 16 फरवरी के दिन ही बिल बनाया गया,
तो बेटा हु इज मेकिंग द बिल, पल्लवी इज मेकिंग द बिल, किसके नाम पर बिल बनाएगी, वंदना के नाम पर बिल बनाएगी। तो बिल बनाने के बाद वो क्या करेगी, वंदना को देगी, वंदना उस बिल को साइन करेगी, एक्सेप्ट करेगी, रिटर्न मिलेगा। यानी यहां पर आप एंट्री क्या पास करोगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम क्या है, वंदना। कोई तकलीफ, 3 महीने का बिल, बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। सेम वंदना क्या बोलेगी, वंदना के लिए बिल आएगा कि जाएगा, बिल जाएगा। तो व्हाट इज गोइंग आउट, बिल इज गोइंग आउट। तो यहां पर वो एंट्री क्या पास करेगी, पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मैंने आपको बताया था ड्रॉवी के लिए क्या होता है, बिल्स पेबल होता है। 16 फरवरी 2019। बेटा आप लोग नरेशन लिख लेना, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने नरेशन वगैरह सब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं। जब वंदना और पल्लवी के बीच का ट्रांजेक्शन हुआ था, वहां पे पूर्वा की रिक्वायरमेंट नहीं आई अभी तक। पल्लवी एक्नॉज द बिल टू द क्रेडिटर पूर्वा ऑन 18 फरवरी, यानी पल्लवी ने यही बिल पूर्वा को ट्रांसफर कर दिया 18 फरवरी के दिन। पल्लवी ने यही बिल पूर्वा को ट्रांसफर कर दिया। तो पल्लवी ने, यानी ये बीच में, ठीक है, पल्लवी ने किसको ट्रांसफर किया, पूर्वा को। तो पूर्वा को बिल दे रही है या ले रही है, दे रही है। तो बिल इज गोइंग आउट, बिल इज गोइंग आउट किसके पास, पूर्वा के पास। तो एंट्री पूर्वा अकाउंट डेबिट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 22,500 18 फरवरी को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ पूर्वा वो बिल ले रही है कि दे रही है, बिल वो ले रही है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किससे बिल ले रही है, वो पल्लवी से। तो पल्लवी अकाउंट क्रेडिट। कोई तकलीफ बेटा, अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किया तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी अब तक नहीं है। आगे क्या बोला है, गिव जॉइंटर्स इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, वंदना एंड पूर्वा। पल्लवी के बुक में भी एंट्री पास करनी है, वंदना की बुक में भी करनी है, पूर्वा के बुक में भी करनी है, ठीक है। पहला बोला द बिल वॉज हॉनर्ड, यानी पूर्वा जाएगी वंदना के पास। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द लीगल ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या आएगा। अब मुझे बताओ हम लोगों का ट्रांजेक्शन चालू होता 16 फरवरी से, क्योंकि डेट ऑफ बिल आपका 16 फरवरी है, 3 मंथ्स बोला है तो 16 5 आ गया, 3 दिन एक्स्ट्रा दे दो तो 19 मई आ गया। यानी 19 मई के दिन या तो हॉनर्ड या तो डिसऑनर होगा। अब हॉनर्ड की बात हो रही है, हॉनर्ड की बात होती है, पूर्वा किसके घर पे जाएगी, वंदना के घर पे जाएगी, और वंदना को बिल देगी पैसा लेगी, वंदना को बिल देगी पैसा लेगी। तो पूर्वा क्या करेगी, किसके घर पे जाएगी, वंदना के पास। तो पूर्वा के बुक में एंट्री आएगी, क्या एंट्री आएगी, पैसा लेना बिल देना। तो पैसा लेगी तो कैश अकाउंट डेबिट, अच्छा उसने अगर चेक दिया होगा तो चेक अकाउंट डेबिट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 22,500। तारीख 19 मई 2019, पहला वाला ट्रांजेक्शन हॉनर्ड, ठीक है। पूर्वा के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, पूर्वा के बुक में, पूर्वा वंदना के पास जाएगी, बिल देगी पैसा लेगी। तो पैसा आ रहा है, बिल जा रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। वंदना क्या करेगी, वंदना बिल लेगी पैसा देगी। तो वंदना के बुक में क्या एंट्री पास करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,500 19 मई 2019, पहला हॉनर्ड। कोई तकलीफ, अब बताओ पूर्वा और वंदना के बीच में पल्लवी का कोई रोल है क्या, सर पल्लवी का कोई रोल नहीं है, इसलिए वो यहां पर कौन सी एंट्री पास करेगी, नो एंट्री। लिखना तो है हॉनर्ड या डिसऑनर्ड में। बी बोला है द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, द बिल वॉज डिसऑनर्ड, मतलब पूर्वा वंदना के पास गई, वंदना ने पैसा देने से मना कर दिया। तो पूर्वा किसको बिल देगी, पूर्वा बिल देगी पल्लवी को, क्योंकि पल्लवी से उसने वादा किया था। पूर्वा ने क्या वादा किया था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी। अब ये वादा क्या हो रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, तो एंट्री विल बी रिवर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, पल्लवी अकाउंट डेबिट
टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, द बिल वॉज डिसऑनर। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपने कोई बिल बनाया है और वो बिल डिसऑनर होता है तो बिल बनाते समय जो एंट्री होगी उसी को रिवर्स कर दो, क्योंकि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है, ठीक है। अब पल्लवी क्या करेगी, पल्लवी क्या करेगी, बीच में है पल्लवी, ड्रॉवर है, वो क्या करेगी, ड्रॉवी से पैसा लेगी, पूर्वा को पैसा देगी। तो पल्लवी से पैसा लेना है, पल्लवी से पैसा सॉरी पल्लवी क्या करेगी, वंदना से पैसा लेगी, एक्सट्रीमली सॉरी, पल्लवी यहां पर ड्रॉवर है तो वो क्या करेगी, ड्रॉवी से पैसा लेगी, तो ड्रॉवी का नाम क्या है, वंदना, वंदना, वंदना अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, एंडोर्सी का नाम यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पूर्वा। कोई तकलीफ, कितना अमाउंट आएगा, 22,500, 22,500 बी, कोई तकलीफ नहीं। वंदना क्या करेगी, वंदना ड्रॉवी है तो उसने तो पैसा नहीं दिया, तो वो क्या करेगी, बिल लेगी, और वंदना किसको पैसा देगी, पल्लवी को, तो बी का एंट्री क्या पास करेगी, यानी बिल बनाने के टाइम पे क्या एंट्री थी, पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो बिल डिसऑनर होने के टाइम पे भी क्या एंट्री आ जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी। मैंने क्या बताया था, एक्सेप्टेंस के टाइम पे जो बिल आएगा वो उसी को डिसऑनर में डाल दोगे, उल्टा कर दोगे तो डिसऑनर हो जाएगा उसका, कोई तकलीफ नहीं। हॉनर्ड एंड डिसऑनर, हॉनर के लिए भी प्रॉब्लम नहीं, डिसऑनर के लिए भी दिक्कत नहीं। सी वाले में क्या बोला है, द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय पूर्वा 175 रुपीज। पहली चीज, पूर्वा ने बिल डिसऑनर किया तो सॉरी वंदना ने बिल डिसऑनर किया तो उसने केस कर दिया पल्लवी के ऊपर, तो एंट्री क्या पास करेगी, वो पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, भाई देखो तो बिल का पैसा देना ही है, 22,500 रुपया तेरे को देना ही है, साथ में मैंने 175 रुपीज कैश भी पे किया एज ए नोटिंग चार्जेस, तो 175 रुपीज हम लोग अलग से शो भी कर सकते हैं, तो टोटल अगर आप करोगे तो 22,675 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, समझा। पल्लवी के कैश भी पे कर दे, तो कैश का अमाउंट हम सेपरेट भी लिख सकते हैं या उस अमाउंट में ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूर्वा ने पल्लवी पर केस कर दिया, पल्लवी क्या करेगी, वही वंदना से पैसा लेना है, पूर्वा को पैसा देना है, तो वही एंट्री पास करेगी, वंदना, वंदना से पैसा लेना है और पूर्वा को पैसा देना है, तो वो कितना अमाउंट देगी, वो क्या करेगी, 22,500 प्लस 175, यानी वो टोटल अमाउंट 22,675 का एंट्री पास करेंगे, ठीक है, टोटल अमाउंट का एंट्री पास करेंगे एक साथ ही, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। वंदना क्या करेगी, वंदना के लिए भी डिसऑनर है, वहां पर भी उसको नोटिंग चार्जेस पे करना है, तो वो एंट्री क्या पास करेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल, 22,500। बट उसको पल्लवी को कितना पैसा पे करना है बेटा, पल्लवी को उसको कितना पैसा पे करना है, 22,675, क्योंकि जो 175 रुपीज है वो उसका क्या है, नोटिंग चार्जेस, ठीक है। आप लोगों का थियरी परफेक्ट होगा तो आपका अकाउंट्स भी परफेक्ट होगा। डिफिकल्टी इस तरीके से आपको क्या करना है, एंट्री पास करना है। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ड्रॉवर के लिए कर सकते हो, फिर ड्रॉवी और देन वो, क्योंकि हमने एंट्रीज भी साथ में की थी, इसलिए मैंने सम भी साथ में किया हुआ है। जय एंट्रीज में जब भी आपको कोई प्रैक्टिकल सम पूछा जाएगा, या तो उसमें सिर्फ ड्रॉवर बोलेगा या तो सिर्फ ड्रॉवी बोलेगा, तीनों साथ में कभी भी देगा नहीं, ठीक है। इसी के साथ हमारा सम खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के कंटेंट के लिए, इसी तरीके के 12th के सिलेबस के लिए इस चैनल पर आप बने रहिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।